अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हीरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कलरफुल वर्ल्ड। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शुक्रिया। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने बालों को सिल्वर ग्रे कलर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है आजकल ट्रेंड है सिल्वर ग्रे कलर करने का, तो सिल्वर ग्रे कलर काफ़ी लोग जो है ना वो परेशान है कि वो सिल्वर ग्रे कलर कैसे करें, उनको इनर नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट कोई भी कलर आप अप्लाई करें अपने ब्लैक बालों पर तो सिल्वर ग्रे कलर शेड नहीं आ सकती। तो नाज़रीन, उसका मुकम्मल तरीका हम आप तक शेयर करेंगे। उसके लिए आपको हमारी मुकम्मल वीडियो जो है ना देखना होगी। अगर आप हमारी वीडियो को स्किप करेंगे, मिस करेंगे, तो उससे फिर आपका रिज़ल्ट मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत से मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। तो नाज़रीन, अगर आप वो कोई भी पॉइंट मिस कर देंगे तो आपके रिज़ल्ट में फ़र्क आ सकता है या फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए नाज़रीन, आपको चाहिए कि हमारी वीडियो मुकम्मल तौर पर देखें। नाज़रीन, जब भी आपने सिल्वर ग्रे कलर करना है किसी को, तो पहले सबसे पहले आपने देखना है कि उसके बाल बारीक ना हों, यानी कि बाल कमज़ोर ना हो, स्ट्रॉन्ग बाल, मोटे बाल हों। फिर कुदरती तौर पर जिनके बहुत ज़्यादा स्याह बाल होते हैं उन पर भी कलर करना, सिल्वर ग्रे कलर करना बहुत मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन होता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने बालों को वॉश करना है, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई ऑयल वगैरह, क्रीम वगैरह यूज़ हुआ है तो उसको आप वॉश कर लें। तो नाज़रीन, वॉश करने के बाद आप इसको बालों को ड्राई कर लें, और ड्राई करने के बाद आपको बालों को कट डाउन करना होगा। वो तो आपको पता होगा, उम्मीद है, कि कट डाउन कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले आपने कट डाउन पाउडर लेना है एक हिस्सा, और उसमें 20 वॉल्यूम के साथ आपने कट डाउन करना है। जिस यानी कि 20 वॉल्यूम के साथ करेंगे तो आपका बाल रफ़ नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होगा। 20 वॉल्यूम के साथ आपने जो है ना मिक्सर तैयार करना है, एक हिस्सा आपने पाउडर का लेना है और दो हिस्से लेने हैं आपने 20 वॉल्यूम के। उसको मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने बालों को, जितने बालों को या मुकम्मल बालों को आप ग्रे कलर करना चाहते हैं सिल्वर ग्रे कलर, तो मुकम्मल बालों पर ऐड करें, और लेयर बाय लेयर बालों को लेयर बाय लेयर लेके उनके ऊपर जो है ना अच्छी तरह लगाएं। जब आप देखेंगे कि इसमें कलर चेंज हो चुका है, आपका कलर ब्लैक ख़त्म हो चुका है और कलर शेड जो है ना वो कट डाउन की आ चुकी है, तो आप इसे वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने देखा है कि इसमें येलो शेड ज़्यादा ना हो। अगर आपके बालों में येलो शेड, येलो पिगमेंट ज़्यादा है, तो आपको दोबारा कट डाउन करना होगा। यानी आपको कट डाउन करने के बाद लेवल 9-10 तक लेके जाना है बालों को, फिर आपका जो है ना ग्रे कलर अच्छा आ सकता है। तो अगर आपको नाज़रीन तो ज़रूरत पड़े तो दोबारा आप जो है ना उन्हीं बालों को वॉश करने के बाद कट डाउन कर सकते हैं। कट डाउन बाल करने के बाद आपने अपने बालों को ड्राई कर लेना है, और अगर उनमें 10% नमी रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद नाज़रीन, आपने जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई गई हैं ये तीन ट्यूब, ये सेमी कलर हैं, इनको सेमी कलर बोला जाता है। इनमें याद रहे कि इनमें कोई भी डेवलपर इस्तेमाल नहीं होता, 20-40 वगैरह जो कि हम दूसरे कलर में इस्तेमाल करते हैं, इसमें 20-40 या 30 वॉल्यूम वगैरह ऐड नहीं होता। इसमें सेमी कलर एक्टिवेटर डाला जाता है। नाज़रीन, इसका आपने तीनों ट्यूब का बराबर मिक्सचर, बराबर जितना आपको ज़रूरत है बराबर मिकदार लेनी है। तीनों ट्यूब से बराबर मिकदार लेकर इसमें आपने सेमी कलर एक्टिवेटर ऐड करना है और मिक्सचर तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आपने अब इन बालों को जो कि कट डाउन किए हुए हैं आपने, और 9-10 वॉल्यूम तक लेवल तक चला गया हुआ है इनका कलर शेड्स, 9-10 वॉल्यूम तक चला गया हुआ है, इन पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद नाज़रीन, आपने कुछ वक्त के बाद देख लेना है कि आपको किस लेवल तक ग्रे शेड चाहिए। ये शेड्स आपको 15-20 मिनट तक भी मिल सकती है, और अगर आप ज़्यादा देर चाहें तो इसको एक घंटा तक भी रख सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क शेड चाहिए तो। ज़्यादातर वैसे 40 मिनट्स में जो है ना इन बहुत अच्छी शेड आ जाती है। बाकी ये आपकी जो है ना कट डाउन किए हुए बालों पर डिपेंड करता है। अगर उनमें से येलो पिगमेंट्स ख़त्म हो चुका है तो फिर जल्दी शेड आ सकती है, अगर येलो पिगमेंट्स हैं तो वो तो काफ़ी कह लें कि टाइम के बाद भी आ सकती है या फिर ना आएगी। ज़रूरी है कि आप उसको येलो पिगमेंट कलर करने से पहले जो है उसको खत्म कर लें। तो नाज़रीन, इसके बाद आपको बाल वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप ड्राई करें, स्ट्रेट करें बाल, और इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा शाइन, अच्छी लुक और कुछ इस तरह के बाल नज़र आएंगे। तो नाज़रीन, इससे मतलब कोई भी आपको बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट्स में हमें से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।